हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश चौहान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम जॉर्जियो पुल में लैंड करने वाले हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको जॉर्जियो पुल की कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, आप लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि काफ़ी दिन हो गए और काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ, लेकिन माफ़ कर देना, मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूँगा। जब मुझे टाइम मिलेगा आपके लिए नई वीडियो आ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, ताकि आपको जो भी हमारी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन, दोस्तों जब भी आप जॉर्जियो पुल में उतरेंगे तो आपको जो सामने वाला कंटेनर है वो देखने को मिलेगा और आपने ये देखा भी होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ से चढ़ जाना है। तो आप यहाँ से चढ़ सकते हैं, फिर कहीं से भी चढ़ सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, उस कंटेनर के पीछे आ जाना है। कंटेनर के पीछे आके आपको दौड़ना है और दौड़ के जंप बटन पर क्लिक करिए और बूम, आप देख सकते हैं कि आप इस कंटेनर के पीछे आ जाएंगे। और यहाँ से आपको एक फ़ायदा मिलेगा कि आपको इधर से कवर मिल जाएगा इस कंटेनर का। अगर कोई बंदा सामने से आता है या फिर कंटेनर पर है या फिर वेयर हाउस में है, तो आप उस पर फायरिंग कर सकते हैं इस कंटेनर का कवर लेके। तो दोस्तों, ये टिप नंबर वन थी। अब जानते हैं टिप नंबर टू के बारे में। दोस्तों, लास्ट वाले वेयर हाउस के पास आपको ये जगह मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इसके पास आ जाना है। और दोस्तों, यहाँ से कोई बंदा आ तो नहीं सकता और ना ही जा सकता है, लेकिन आप इधर से फायरिंग कर सकते हैं और उसको पता भी नहीं चलेगा। अगर पता चल गया तो वो आ भी नहीं पाएगा। और दोस्तों, आप इधर से निकल सकते हैं जब तक वो आता है। टिप नंबर थ्री, दोस्तों जॉर्जियो पुल में आपने इतने छोटे से कैंपिंग टावर तो देखे होंगे, तो आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है, फिर जंप करके इधर जाना है। और जंप करने के बाद आपको ये जो ऊपर वाला है उसके ऊपर चढ़ जाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको जॉर्जियो पुल का फुल व्यू मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि बंदे कहाँ पर है, कहाँ से आ रहे हैं। तो आप उस पर फायरिंग कर सकते हैं, यहाँ से फायरिंग कर सकते हैं या फिर कवर ले सकते हैं। टिप नंबर फोर, दोस्तों जॉर्जियो पुल में आपको ऐसे बहुत सारे वेयर हाउस देखने को मिलेंगे। अभी जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ इसी वेयर हाउस के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको वेयर हाउस के अंदर चले जाना है और इधर आपको बहुत सारे ड्रम्स और डिब्बे देखने को मिलेंगे, बॉक्सेस पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स के पास आना है और बॉक्स के पास आने के बाद आपको इसके ऊपर चढ़ जाना है। फिर आपको दूसरे बॉक्स के ऊपर चढ़ना है और लास्ट में जो ये मेटल का पड़ा हुआ है उसके ऊपर चढ़ जाइए। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा बैक आना है, बैक आने के बाद जंप करना है दौड़ के। तो बूम, आप देख सकते हैं कि आप जो वेयर हाउस के जो विंडो है वहाँ पे चढ़ जाएंगे और आपको नीचे बैठ जाना है और धीरे से ध्यान से आपको साइड में जाना है। फिर आपको कवर लेना है, कवर लेने के लिए आपको आगे बढ़ना है। तो देख सकते हैं कि आप इस तरह इस वेयर हाउस में कवर ले सकते हैं। अगर कोई बंदा आता है वेयर हाउस के अंदर तो उसको लगेगा कि आप इसके अंदर है, लेकिन उसको क्या पता कि आप ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। अगर कोई बंदा आता है तो आप उस पर फाइनली फायरिंग कर सकते हैं यहाँ से बैठे बैठे। और दोस्तों, आप इसके ऊपर दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो आप इस तरह इसमें इस जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। टिप नंबर फाइव, दोस्तों अगर कोई बंदा वेयर हाउस के अंदर कैंप कर रहा है तो उसकी लोकेशन पता करने के लिए आपको क्या करना है कि वेयर हाउस के पास जो ये मेटल के जो पाइप बने हुए हैं उसके ऊपर चढ़ जाना है। फिर आपको जंप करना है। आप इस तरह जंप करेंगे तो आप उसकी लोकेशन पता कर पाएंगे और फाइनली जाके आप उसको किल कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है। तो आप उस पर डायरेक्टली फायर करके उससे आप किल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये टिप्स पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपको ऐसी नई नई वीडियो आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई और बढ़िया और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।